मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ अ न्यू टॉपिक दैट इज ओड्स एंड इवंस। बेटा कल हमने अपना शेप्स का रिवीजन कंप्लीट किया है, आज हम ओड्स एंड इवंस करेंगे। जिन बच्चों को ये चैप्टर पहले नहीं समझ आया है तो वो अच्छे से इसको समझेंगे ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले आप देखिए, जब हमने ओड और इवन किया, वर्ड आर ओड एंड वर्ड आर इवंस। इवन नंबर में हमारा क्या होता है बेटा, जब हम इवन नंबर करते हैं, द नंबर्स विच मेक्स, द नंबर्स विच मेक्स पेयर, जो आपस में पेयर बनाते हैं। मान लीजिए अगर हमने कोई वर्ड लिखा है, ये देखिए हमारे पास कोई एक कप है, मान लीजिए हमारे पास ये देखिए कप्स हैं, दीज आर, ये हमने कप ड्रॉ किए हैं बेटा, ये हमारे कप्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। तो अगर हम इनका पेयर बनाना चाहेंगे, पेयर होता है दो का, मतलब दो का, जैसे हमारे पास फोर बनाना है तो हम दो बहन भाई हैं, एक को भी हम टू दे देंगे और दूसरी को भी क्या कर देंगे, टू ले देंगे। मान लीजिए आपके पास पेंसिल्स हैं, अगर आपके पास फोर पेंसिल्स हैं तो आपने टू अपने ब्रदर या सिस्टर को दे दी और टू आपके पास रह गई, तो उसका क्या बन गया, पेयर, क्योंकि इक्वली डिवाइड हो गया और उसका क्या बन गया, पेयर। पेयर हमेशा दो को मिलाकर ही बनता है। तो अब हम इसका पेयर बनाएंगे, देखिए बेटा इसका अगर बनाएंगे ये एक पेयर, और इन दोनों को ऐड करेंगे, ये भी पेयर में होगा, ये भी हो गया और ये भी हमारा पेयर बन गया। तो इसमें हमारे पास कोई भी कप जो है लेफ्ट नहीं है। तो द नंबर्स विच मेक पेयर्स, द नंबर्स विच मेक पेयर्स, जो पेयर बनाएंगे उनको हम बोलेंगे इवन नंबर, और ओड नंबर इससे ऑपोजिट होगा, जो हमारे नंबर्स पेयर नहीं बनाएंगे। द नंबर्स विच मेक विल नॉट मेक अ पेयर, अब जो हमारे पास पेयर नहीं बनाते हैं उनको हम कहते हैं ओड नंबर। देखिए आप इसमें वन टू थ्री फोर, तो हमारे पास ये क्या है, ये अकेला रह गया बेटा, इसका हमारा पेयर नहीं बना है। तो ये हमारा क्या हो गया, इवन, और ये हमारा हो गया ओड। जब हमने पेज नंबर 71 किया था उसमें हमने देखा था एग्जाम्पल, देखे थे एक जो था वो अकेला ही रह जाता था, तो इसीलिए जो पहने जाते थे वो पेयर इवन में थे और जो नहीं था वो जो रह जाता था दैट इज ओड। तो जब भी आप करेंगे तो नंबर जो भी आपका लास्ट में 1 3 5 7 9, दीज आर योर ओड नंबर, दीज आर योर ओड नंबर। और जब आप लिखिए 2 4, जब भी एंड होगा किसी का नंबर 0 2 4 6 8, तो दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इवन नंबर। ओड नंबर में हमारा आएगा 1 3 5 7, और ओड नंबर में आएगा हमारा 1 3 5 7 9 ओड नंबर, और 0 2 4 6 8 हमारा आएगा इवन नंबर। तो हमारे इवन नंबर में हमेशा पेयर बनेगा और ओड नंबर जो है उसमें हमारा पेयर नहीं बनेगा। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम पेज नंबर 72 को देखेंगे। इसमें देखिए कि ओड्स एंड इवन को आपको क्लियर करवाया है, ये भी काउंटिंग 50 तक है बेटा, और ये भी 50 तक है। इसमें कुछ लाइंस को ने पिंक किया हुआ है, तो फिर वन के बाद आपने क्या किया है, टू। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी कोई नंबर एंड विद द टू, लास्ट में क्या आएगा, 2 4 6 8 0 आएगा, तो वो इवन नंबर होगा। तो इसमें देखिए सभी में पिंक लाइन नहीं है, देखिए सारे पीछे लास्ट में क्या है, टू। जब हमने पीछे वाला नंबर चेक किया तो टू है, इसमें फोर है, इसमें सिक्स, इसमें एट, और इसमें क्या है, जीरो है। तो ये सारे हमारे क्या है, इवन नंबर। और जब हम इसके ऑपोजिट जब नीचे वाले देखेंगे तो इसमें क्या है, 1 3 5 7 9, इन सबके नंबर के पीछे क्या है, तो 1 3 5 7 9 है, तो ये क्या है हमारा ओड नंबर। तो जब भी हम इवन और ओड की सिंपल पहचान है, एक तो हम पेयर बना सकते हैं, अगर हमें पेयर में समझ नहीं आता तो जब भी हमारा कोई भी डिजिट होगा, मान लो मैंने एक डिजिट लिखा 47, तो हमने पीछे वाला डिजिट वंस प्लेस को चेक करना है, अगर 7 है इट मीन्स हमारा क्या है, ओड नंबर है। अगर इसकी जगह मैं 48 लिख देती हूँ तो हम लास्ट वाला डिजिट चेक करेंगे तो वहीं हमारा क्या नंबर बन जाएगा बेटा, इवन नंबर। तो हमने इससे भी इनकी पहचान कर लेनी है। तो 72 पेज पर क्या था कि नाउ आई अंडरस्टैंड ऑल नंबर एंडिंग विद, ऑल नंबर एंडिंग विद 0 2 4 6 8 आर द इवन नंबर, और द नंबर विच एंड विद द 1 3 5 7 9 आर कॉल्ड द ओड नंबर। तो इसकी ये मेन पहचान है। एक तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इनका पेयर बनाकर देख सकते हैं कि ये इवन है या ओड है, पर इसकी कैलकुलेशन तब हो सकती है जब हमारे पास नंबर छोटे हों। अगर हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर होंगे तो हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। अगर हमारा
100 अबव नंबर होते हैं, मान लो 110 थिंग्स हैं, तो हम उसको सारा को ड्रॉ नहीं कर सकते, पेयर नहीं बना सकते, तो इसलिए उसकी जजमेंट हम कैसे करेंगे कि लास्ट वाले नंबर वंस प्लेस को हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 110, अब हम इनकी नंबर्स की कोई काउंटिंग लिख कर उसको पेयर नहीं बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे लास्ट का डिजिट जो है चेक करेंगे, तो जीरो है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है इवन नंबर। और अगर इसी की जगह हम 231 ले लेते हैं तो वन वाले प्लेस पर, तो हम इसको ऐसे ही कैलकुलेट करके देखेंगे, 231 में हमारा जो लास्ट डिजिट है वन है, तो इट इज अ ओड नंबर। तो आज आपने इसकी पहचान करनी है कि पेयर बना के देखने हैं या ऐसे सिंपली काउंटिंग करके देखने कि इवन नंबर कौन से होते हैं और ओड नंबर क्या होते हैं। इवन विच एंड विद द 0, 2, 4, 6, 8 और द नंबर विच एंड विद द 1, 3, 5, 7, 9 आर कॉल्ड द ओड नंबर। तो आप इसकी स्टार्टिंग में यही देखेंगे, पेज नंबर 70, 71, 72 जो भी है आप इसकी रिविजन करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।